जाती है और दुनिया उसके लिए पागल रहती है। तब अचानक एक क्रिएटर उठ के कहता, सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी और वो वीडियो देखने के बाद मैं शिमला चला गया सिर्फ 5,000 रुपए में, और सर मैंने एक सस्ती सी ट्रिप करी सिर्फ आपकी वीडियोस को देख के। एक पर्सन आपसे आगे मिलता है, क्या कहता है कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी है, वीडियो में एडिट करना सीख लिया। एक आता है कहता है, सर मैं अपने जीवन में बड़ा कम पैसे कमा पाया लेकिन आपकी फाइनेंस की वीडियो देख के मैंने क्या किया, 10,000 रुपए को म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं मैंने सर ये सीख लिया। और मैं सच बताऊं, एक सक्सेसफुल क्रिएटर कब बनता है, जब उसके 1,000 सब्सक्राइबर आते तब नहीं, तब भी वो परेशान है। जब उसका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तब भी वो परेशान है। जब उसके 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाए और व्यूज ना आए तब भी परेशान है। जब उसके 5,000 व्यूज कंसिस्टेंट आ रहे हो तब भी परेशान है। क्या कहता है, मेरी को तो ग्रोथ ही रुक गई है ना, मेरी ग्रोथ रुक गई। तो सक्सेस की डेफिनेशन एक ही है, जिस दिन आपके चैनल पे वो पहला कमेंट आता है कि सर आपकी वीडियोस देखते मैंने ये चीज सीख ली, उस दिन आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन चुके हैं। सो मेक श्योर, ध्यान रखिए कि लाइफ में यूट्यूब की एक ऐसी जर्नी है जो हर कोई स्ट्रगल तय करता है। यहाँ पे जितने भी क्रिएटर्स बैठे हैं, यहाँ पे जितने भी क्रिएटर्स बैठे हैं, सबकी अपनी एक सक्सेस जर्नी है। लोग हमसे कहते हैं कि तुम अफसर लेके कि जब तुम क्यों ना चले गए, हम ही है वो जो घर से निकलने से ऑटो में बैठने वाले को हमेशा बताते रहते भैया मैं यूट्यूबर हूँ, तुम्हें पता है मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, है ना, फिर भी ऑटो वाला मानता नहीं है। वो क्या कहता है, उनके तेरे लिए हमें क्या करना, आजकल हर कोई यूट्यूब पर ढूंढा लगा रहा है। So, मेरा सिंपल आपसे एक ही कहने का मतलब है कि यूट्यूब की जर्नी बड़ी आसान नहीं होती। आपको बॉलीवुड स्टार नहीं देखने पैदा हुए, घर के बाहर 10-20 कैमरामैन खड़े हैं, आपको ये चीज कमानी पड़ती है। और मैं आपको बता देता हूं कि एज अ क्रिएटर जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं गारंटी देने कह सकता हूँ कि 99% लोगों के पास शुरुआत में ना तो कैमरा था ना एक अच्छी माइक थी। लेकिन कहते हैं ना कि जेब खाली हो और नीचे आई ना रखते, कुचल लेने का आसमान रखते हो अपने अंदर हिम्मत, तो तुम्हें को रोक नहीं सकता। ये रियलिटी है मेरे भाई, ये रियलिटी है। तो जितने भी आज क्रिएटर्स यहां बैठे हुए हैं, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सक्सेस यूट्यूबर की कोई डेफिनेशन नहीं है। जिस दिन आपके चैनल में वो पहला कॉमेंट आ जाता है कि भाई तुमने मेरा दिल जीत लिया, उस दिन आप सक्सेसफुल यूट्यूबर है। तुमने देखा है ना, जब भी कोई आपसे मिलता है सो रहे होते हो ऐसे, और लोग आगे कहते हैं भाई एक सेल्फी आपका चेहरा। जैसे ही आप इसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि नकली स्माइल है ना। अगर ये नकली स्माइल है तो भाई मुझे ऐसी स्माइल पूरी जिंदगी भर चाहिए, क्योंकि ये हमारा ब्रांड है। नकली स्माइल ब्रांड ही है हमारा, ये ब्रांड है हमारा। क्योंकि एक टाइम था जब 1 रुपए नहीं थे जेब में, और आज एक टाइम है कि गिनने का समय नहीं है इनके पास। जोरदार तालियां इसके लिए भाई साहब। मुझे समझ आ गया कि घर वालों के पास बहुत पैसा है, घर वालों के पास नहीं है, है ना। 100 किलोमीटर की दूरी से कितने लोग आए हैं, हैंड रेस करेंगे प्लीज। हजार किलोमीटर। अरे बिहार वाले कितने हैं, यूपी वाले, भाई
अब हम सेल्फ हेल्प के ऊपर बात करेंगे। ये बात करेंगे कि इंग्लिश ऐसे कंटेंट बना के आप इंटरनेट पे कैसे पैसे बना सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटर्स हैं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बताऊं आपके बाजू में बैठा कौन है शायद आपको जाते जाते पता नहीं चलेगा। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा सबसे पहले कि एक बार उन लोगों के लिए जोरदार तालियां जो आपके आसपास बैठे हैं, जोरदार तालियां एक बार के लिए। मैं आपको बताऊं कि YouTube की जर्नी आप सबकी, यहां पे कोई व्यूअर नहीं बैठा यार, यहाँ पे सारे क्या कहते हैं, क्रिएटर्स। पता है क्रिएटर्स किसे कहते हैं? जिन्होंने अपनी दुनिया खुद बनाई होती है। सब कुछ झेलते हैं यार हम अपनी लाइफ में, सब कुछ झेलते हैं हम अपनी लाइफ में।